हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन बाय 11। जब टू डिजिट का नंबर होता है तो हम उसको किस तरीके से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले आपको दिया गया है 23। तो 23 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट आई मीन यूनिट डिजिट कितना दे रहे हैं 3, तो 3 को पहले लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ गया 5, उसके बाद इसको लिख लीजिए 2, आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको 5 लिखा हुआ है, 5 इधर, 4 इधर, इन दोनों को प्लस किया बीच में। उसी तरीके से इसको 5 को लिख देंगे इधर, 2 को लिख दिया इधर, इन दोनों को प्लस किया 7, इधर लिख दिया। उसी तरीके से इसको करते हैं, 4 लिखा इधर, 3 लिखा इधर, इन दोनों को प्लस किया 7 आ गया बीच में। उसी तरीके से अपन इसको करते हैं, 7 लिखा इधर, 3 लिखा इधर, बट इसमें कंडीशन आ जाती है। देखिए, 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, 10 की 0-1 कैरी, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 4-0-7, है ना। क्योंकि जब यहाँ क्या करते हैं, बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे कि अपन को दे दें कोई बड़ा सा नंबर, सपोज 48 मल्टीप्लिकेशन बाई 11, तो अपन किस तरीके से करते हैं, तो 8 को यहाँ लिखेंगे, इनको प्लस किया तो कितना आ गया 12 को 2-1 कैरी, 4-1-5, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। सपोज 78 का अगर 11 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो भी समझ लीजिए, 8 को हम लिखेंगे इधर, इनको प्लस किया तो 15-5-1 कैरी, 7-1-8, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। शायद आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।